तो कैसे आप सब लोग भाई, सब लोग मौज में मजे में। उम्मीद है तो हम फिर से आ गए यार कबाब सैमरोटी के साथ। इसमें अब नए नए अपडेट्स भी आए हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखना कि इसमें क्या अपडेट है, क्या है आगे, कैसा है कैसा नहीं है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। और फिलहाल तो यहाँ पर भाई, जब से मैं आया यार यहाँ पर रात नहीं हुई, बट पता नहीं क्यों नहीं हुई, या फिर यहाँ पर रात होती नहीं है, या फिर मेरे टाइम पे हुई नहीं है भाई। यहाँ पर मैं अभी प्यार पहले कोयला खरीद लेता हूँ, मुझे कोयले की बहुत नीड है यार भाई। मेरे पास सिर्फ बच्चे सिर्फ $5, कोयला ही सर $30 से $35 का कोयला है ये। पता नहीं इस कोयला बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे एक पैकेट कोयले से पूरा का पूरा दिन चला जाता है। तो मैं यहाँ भाई, यहाँ पर कोयला लाते हैं, फटाफट लाते हैं कोयला और चलाते हैं अवन को। अवन नहीं सॉरी, बारबेक्यू है ये, बारबेक्यू जो भी है यार, सीख कबाब इस पर बनता है। इसको फटाक फटाक हम चलाते हैं फटाक से, क्योंकि कस्टमर अब भाई बहुत टाइम नहीं हो गया, आए नहीं है। और मेरे बच्चे से $5 अब इसमें से निकालते कोयले को। यार कोयला कम यार, क्या वो लग रहा है, चिप्स के पैकेट बस गिर गया कोयला। अब इस पर लगते बॉल के यहाँ पर, तब तक हमारा कोयला गर्म होता है। और भाई इस कबाब में सिर्फ नमक डालते हैं, इतने सारे मसाले वो किस काम के हैं भाई, सब नमक डाल दिया हो गया। लगता है यहाँ के शहर के लोगों को मसालेदार खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ आखिरकार है तो अंग्रेजी, तो यहाँ पर फटाफट कबाब को लगाते हैं भाई। यहाँ पर फटाफट 5 कबाब लगा देते हैं फटाफट से भाई। यहाँ पर हमने जो फटाफट यार कबाब बना के रेडी रख लिए हैं, अब भाई अभी खोलना है अपना रेस्टोरेंट। फटाफट से भी लगा देते हैं भाई, 5 कबाब बिठा दिए। अब हमें अपना खोलना है रेस्टोरेंट, ये हो गया ओपन। अब देखना भाई साहब कस्टमर की लाइन, कस्टमर बुकिंग नहीं, ये कैसे लगे ये। कोई बात नहीं, एक रह गया तो कोई बात नहीं, इसके भी लगा लेते हैं फटाफट कबाब लगाते हैं। और भाई वहाँ पर देखो मेरा कबाब जल के लाल हो गया, पूरा पूरा क्रंची कबाब हो गया, लाल तो हो गया, मेरे मुँह पे खुद पानी आ गया है। और भाई एक पहला कस्टमर आ गया गाइस, कस्टमर आ गया फटाफट जल्दी से, वो क्या लगा ये, अब मुझे पता कबाब ही लेगा, क्योंकि मैंने कबाब को ऑर्डर ही दे रखा है कि कबाब है सिर्फ मेरी दुकान पर। और भाई इसको कबाब चाहिए, ब्रेड यहाँ पर रखा हुआ है फटाफट जल। ओ इसको सैलेड चाहिए यार, सैलेड चल खा, जैसे कुत्तों को नहीं देते लिखा ठूस। अरे यार ये ऐसे नहीं लगा, ऐसे नहीं लगा यार, इसको ट्रे में देना पड़ेगा ट्रे में। तो गाइस अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अब शुरू है रोस्टिंग टाइम। मैं कहीं जा रही हूँ, कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरी मासू को मेरी सुंदरी क्यों नहीं जवाब दे पाओगी मेरे कमेंट का, प्लीज मेरे कमेंट का जवाब देके जाना, वरना मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। अच्छा फोन तो करूंगी ना, नहीं मैसेज का जवाब दे पाऊंगी, फोन नहीं मत करना मेरे पास। हे भगवान इतनी नाराज हो के तुम मुझसे, देख तू अब तू गया बेटा। अरे माना कि मैं खाने पे नमक थोड़ा कम डाल दिया था, लेकिन तुम थोड़ी क्यों जल रही हो इतनी। अच्छा किसी और से मिलने जा रही हो क्या, इतने मुझे मना कर रही हो, ना फोन करूंगा ना मैं मैसेज, इतना भी क्या रूठना सुंदरी। तो गाइस अगर आप ये मेरे से रोस्टिंग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे हर वीडियो में 30 सेकंड का रोस्ट वीडियो डालता रहूंगा। और आप मुझे बता देना कि मैं रोस्टिंग वीडियो किस पे बनाऊं। फिलहाल तो यार जो बंदा खड़ा है, जो मेरा कस्टमर है, पहले दे दो सेलेक्ट, बंदा काफ़ी टाइम से बैठा हुआ था। इस भाई साहब को भी सैलेड ही चाहिए भाई साहब, सैलेड में बहुत मेहनत लगती है यार। पहले खीरा लो, फिर प्याज लो, फिर टमाटर लो, फिर काटो, फिर प्लेट लो, फिर धो। ये तो पर मैंने 3-3 आइटम लगा रखे हैं, पर ये सब सारा सब लोग सैलेड ही मांगने लगते हैं यार, सबको ज़्यादा चार्जिंग पे भाई साहब सब लोग। यार यहाँ पर वो रखना पड़ेगा मुझे, जैसे ट्रे रखना पड़ेगा, फिर ही कुछ हो पाएगा यार। कितना सरदर्द वाला काम है, अकेला कैसे संभालूँ मैं इस रेस्टोरेंट को। हाँ अगर अकेला संभालूँ तो अकेला पैसे मेरे पास आएंगे, ये भी सही बात है। ये यार रोटी पड़ी है, रोटी को नीचे गिरो। नहीं यार चलो कोई बात नहीं, नीचे गिर गया कोई बात नहीं, अपने पास ही गिरा कोई देखेगा नहीं, कब अभी गिर दिया। पहले ले जाओ खीरा, दोबारा फटाफट ले जाओ खीरा, ले ले खीरा। ओ माय गॉड खीरा कुछ ज़्यादा चमक नहीं रहा, कितना फ्रेश खीरा है, ताज़ा। भाई यहाँ पर मैं भाई और एक कस्टमर आ चुका है, शायद उसको भी शायद सैलेड ही चाहिए होगा। ए भगवान सैलेड के अलावा कुछ और ले लो भाई साहब, कबाब रेडी है, कबाब मेरे जल रहे हैं, कुछ तो लो। बट यहाँ पर कुछ नहीं है, अब आइज फटाफट यार सैलेड कटिंग करते हैं और देते हैं इन लोगों को भाई, पर नए लोग साले पागल कर देंगे और मेरा रेस्टोरेंट में जो 4 स्टार है वो घट के नीचे आ जाएगा अगर मैं ज़्यादा वेट कर रहा है तो, क्योंकि मैंने एक बंदे को ऑलमोस्ट आधा मिनट का वेट करवा दिया है। अब फटाफट रखता हूँ और देता हूँ सैलेड, ले भाई तू खा। काश ऐसा हो सकता है कि मैं एक ही बार में 3-4 लोगों को ऑर्डर लेके सर्व कर सकूँ, शायद ही, मैं ट्राई नहीं किया, पर अगली वीडियो में जरूर ट्राई करूँगा मैं। तो गाइस अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इस वीडियो को गेम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
और आप लोगों को नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।